हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिल ऑफ डायपोल, यानी डायपोल के एक्सिस पर, एक्सिल पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। देखिए उसके लिए मैंने कंसिडर किया दो चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी ये क्या बन गए, इलेक्ट्रिक डायपोल। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो मैंने ले ली 2a, ठीक है। एक ये मान लीजिए जो नेगेटिव चार्ज है वो a पर है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो b पॉइंट पर, मान लिया। अब मैंने क्या किया, इस डायपोल से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट p लिया, ये p पॉइंट है। यहां पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस p पॉइंट पर, ठीक है। अब देखिए ए और बी पॉइंट है, ये ए और बी पर तो एक डायपोल है। अब स्टूडेंट इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो जो बी चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, इस पी पॉइंट पर दूर होगी या उसकी ओर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं यहां पर, तो क्या होगी, दूर। ये लीजिए पी वन, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी वो क्या होगी, अच्छा सॉरी, पहले एक काम कर लीजिए आप, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, इसकी ओर होगी ना, और हमने इसको नेगेटिव मान लिया तो नेगेटिव चार्ज के कारण उसकी ओर को हमने इवन ले लिया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो कि बी पर है उस पर पी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, उससे दूर, तो उसको नाम दे दिया मैंने पी टू। इतना क्लियर हो गया, फिर से समझ लीजिए, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी रिलेशन क्या होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगी, उसकी ओर हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, जबकि बी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, उससे दूर होगी। इतना क्लियर। आगे देखिए, हमने क्या कंसीडर किया, एक मिड पे एक पॉइंट ओ कंसीडर कर लिया, ए और बी यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल मिड पे एक अनदर चार्ज कंसीडर किया ओ, तो ए से ओ की डिस्टेंस कितनी, कंप्लीट टू ए, तो ये हाफ पे कितनी होगी, ए। सिमिलरली O से B की डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी कितनी हो जाएगी, A। तो देखिए A और मिलकर 2A होगी। अब इस पर एक और पॉइंट देखिए, पॉइंट O से मैं पॉइंट P की जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ वो दैट इज R, ठीक है, क्लियर है चीज, O से P तक की डिस्टेंस R। एक बार फिर से डायरेक्शन देख लीजिए, A पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी ओर होती है टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, तो E1, जबकि पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, तो पॉजिटिव बी पर है, बी पर पी के कारण क्या होगी, दूर, आपको ध्यान रखना है। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पी पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट, यहां पर इस नेगेटिव यहां पर निकालनी, तो वो क्या है, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज वाले, यानी इवन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस क्या है, इवन। अब देखिए डिस्टेंस कौन सी लेंगे, के फॉर्मूला था क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू, आर क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमने निकाला था पिछली क्लास में, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर निकाल रहे, तो स्टूडेंट यहां से यहां पर निकाल रहे, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो समझते हैं, क्या ये नहीं क्या ए ओ प्लस ओ पी डिस्टेंस, ये ना, ये ना डिस्टेंस अपन कंप्लीटली क्या लिखेंगे, ए पी का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी होगी, ए से पी तक की डिस्टेंस लेनी, तो ए पी स्क्वायर कर दूं, सिंपल सा। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए थोड़ा सा इधर, ए पी इक्वल टू, समझना इसको, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को दो पार्ट में देख लेते हैं, क्या लिख सकता हूं, AO प्लस OP लिख दूं, देखिए AO प्लस OP, ठीक है, AO प्लस OP, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी कंप्लीट क्या होगी, AP होगी। चलिए तो E1 इक्वल टू KQ अपॉन, यहां पे देखिए जो AP की वैल्यू है वो क्या है, AO, यहां से तक डिस्टेंस क्या है, A प्लस OP,
ओ से पी तक की डिस्टेंस आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एपी की जगह ए प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट यहां तक, कोई डाउट? चलिए अच्छा, ईवन की डायरेक्शन क्या है, पी से ए की ओर है, ठीक है। तो अपन बाद में देख लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पहले नेगेटिव कारण देखी थी, अब पॉजिटिव के कारण देखेंगे। ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, सबको समझ में आएगा। तो देखिए, अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पी पर देखेंगे तो वो क्या ई टू है। चलिए तो ई टू इक्वल टू वही के क्यू अपॉन, लेकिन यहाँ पे देखिए चार्ज कैसा था, नेगेटिव, तो यहाँ पर चार्ज के नेगेटिव तो आएगा आएगा ना। ध्यान रखिए, यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा इसका। अब अपॉन आर स्क्वायर, इस चार्ज से पी की डिस्टेंस कितनी है, बीपी, तो क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, बीपी बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो यहां से आगे की डिस्टेंस मुझे निकालनी है, मेरे पास है नहीं, तो क्या करूंगा, देखो ओ से पी की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में से मैं इतनी सी माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगी मुझे। फिर से देख लीजिए, ओ से पी तक की इस डिस्टेंस में से, देखिए इस डिस्टेंस में से अगर मैं इतनी सी माइनस करूंगा तो ये मिलेगी। तो देखिए क्या है, बीपी में से, इस बीपी है तो बीपी में क्या करूंगा, बीपी फाइंड आउट करना है मुझे, तो क्या करूंगा, ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी, तो ये मिल जाएगी। तो बीपी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, ओपी कितना है आर, माइनस ओबी कितना है आर माइनस ओबी ए, ये लीजिए। तो ए टू की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन बीपी का मान क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं रब करूंगा। चलिए देख लेते, बस इधर देख लेते। अब देखिए स्टूडेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट, देखो हमने ईवन पी पॉइंट पे ईवन भी निकाल लिया, ई टू भी निकाल लिया, अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, ई इक्वल टू ईवन प्लस ई टू। अब ई इक्वल टू ईवन की वैल्यू क्या रही, ये रही माइनस के क्यू, तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और ई टू की वैल्यू क्या है, प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक, नोट करते जाइए, सिंपल सा बिल्कुल, अब मैं रफ कर रहा हूं। अब इस स्टडी यहां पर समझना आपको एक चीज है, देखिए क्या सिंपल सा, देखिए क्या समझना है, ई दोनों में देखिए के क्यू कॉमन है तो के क्यू बाहर ले लेते हैं। दूसरी बात, इस प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं मैं, वन अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये माइनस वाली टर्म एज इट इज वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो ई इक्वल टू के क्यू, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए आर इज आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो देखिए यहां क्या जाएगा, आर प्लस ए का माइनस, ऐसा कैसा आर प्लस ए से, ये तो कैंसिल कुछ गया ये, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना करते रहिए स्टूडेंट, साथ साथ चलते जाइए के क्यों यहां पर नियम नीचे आपको। अच्छा होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, माइनस साथ में लेते चलूंगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ना फिर आप अगर नहीं समझ सको तो ये लीजिए,
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो प्रॉब्लम है, देखिए माइनस इसका इसका स्क्वायर बोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता ना, तो फॉर्मूला उसी तरह से ओपन कर दिया मैंने। आगे देखिए ए इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लस टू ए आर, प्लस टू ए आर कितना हो गया प्लस फोर ए आर, तो हम कहाँ निकाल रहे हैं ई बराबर के क्यू प्लस फोर ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर मेरे हिसाब से, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे आइए, हाफ कर दो उसको, इधर देख लेते हैं। देखिए E इक्वल टू क्या है, यहां पे E इंटू सॉरी के क्यू, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, टू इंटू टू ए आर इस तरह लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो e इक्वल टू ये टू बार लेता हूं और यहां से r अलग करता हूं तो टू के r और बच गया क्या q इंटू, यहां बच गया टू a, समझ में आ गया क्या, बस इस टू को अलग कर लिया r को भी अलग कर लिया तो टू के r हो गया और q और ये जो टू a है इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। Q into 2A क्या पढ़ा था अपने, याद कीजिए P equal to Q 2A पढ़ा था डायपोल मोमेंट पिछली क्लास में, तो यहां पर E equal to तो इसको जगह क्या लिखता हूं P, तो 2 सॉरी यहां पर ये तो चल रहा है ना R square minus A का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है। अब यहां पर देखिए Q into 2P 2A की जगह लिखता हूं P, तो E is equal to 2KPR ये तो है नीचे R square minus A square, यहां तक तो ठीक है नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे अब। अच्छा स्टूडेंट आइए आगे देख लेते हैं फटाफट से, अब छोटी सी कंडीशन, एक R is greater than A, then उस केस में क्या होगा, A को हम almost equal to zero ले लेंगे, कह लेंगे मतलब ये स्टूडेंट अगर ये R ये O point से P point की जो distance है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस केस में हमारा A तो almost zero हो गया ना R के respect में, तो अब क्या होगा E is equal to 2KPR upon यहाँ पे whole square भी इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, ये तो हट गया, तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा 2KPR अपॉन आर फोर, आर से कैंसिल हो जाएंगे तो एक बन जाएगी 3 आएगा यहां पर, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया 2KP अपॉन आर क्यूब, ये आपका आंसर है और कहा है एक्सेल पे निकाला हमने। ठीक है सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, आपका आंसर आ गया ई एक्सएल पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होगी राइट साइड इस ओर, ठीक है नोट कर लीजिए।